बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चैप्टर नंबर 16 है, अबाउट अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट ऐसा करंट होता है, करंट विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द वोल्टेज, जो ऐसी वोल्टेज से पैदा हो विच कीप रिवर्सिंग इट्स पोलैरिटी। अल्टरनेटिंग करंट वो करंट है जो ऐसी वोल्टेज से पैदा हो जो अपनी पोलैरिटी को रिवर्स करती रहे, चेंज करती रहे मुसलसल। मसलन इस किस्म की अल्टरनेटिंग वोल्टेज होती है, ये उसकी पोलैरिटी पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव हो गई, फिर पॉजिटिव हो गई, फिर नेगेटिव हो गई, तो जो अपनी पोलैरिटी को रिवर्स करती रहे, चेंज करती रहे मुस्तकिल, उसे अल्टरनेटिंग वोल्टेज कहते हैं। और इस वोल्टेज के नतीजे में पैदा होने वाला करंट अल्टरनेटिंग करंट होता है, राइट। फर्ज करें ज़ीरो से लेकर टी बाय टू टाइम तक इसकी पोलैरिटी पॉजिटिव है, ए पॉइंट है, ए पॉइंट से पॉजिटिव पोलैरिटी है, लेकिन जब थोड़ा आगे जाएगा टी बाय टू से टी टाइम तक तो उसकी पोलैरिटी रिवर्स हो गई, चेंज हो गई, नेगेटिव हो गई। तो ये अपनी पोलैरिटी हर आधे टाइम पीरियड के बाद चेंज करता है, गोया एक टाइम पीरियड में एक बार पोलैरिटी रिवर्स होती है, प्लस है तो एक बार माइनस होगी, माइनस है तो एक बार प्लस होगी आगे। तो वो टाइम जिसमें एक बार पोलैरिटी चेंज हो वो टाइम पीरियड है, ठीक है। इसके नतीजे में करंट कैसा पैदा होता है, ये अगर सर्किट है इसे आप अल्टरनेटिंग वोल्टेज से सप्लाई करें, एसी बैटरी को यूं शो करते हैं, तो जब पॉजिटिव साइकिल आएगा, जब ए की तरफ पॉजिटिव है, पॉजिटिव साइकिल आया, तो फर्ज करें करंट की डायरेक्शन सर्कल में कैसी है, क्लॉकवाइज है, ऐसे। आधे टाइम के बाद ए पॉइंट क्या हो जाएगा, नेगेटिव पोलैरिटी चेंज हो गई। जो ही पोलैरिटी चेंज हो गई तो सर्किट में करंट की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी, पहले अगर क्लॉकवाइज था तो नेक्स्ट हाफ साइकिल में ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी, गया हर हाफ साइकिल में करंट की डायरेक्शन ऐसे रिवर्स होती है, एक टाइम पीरियड में एक बार क्लॉकवाइज है तो एक बार एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। तो इस किस्म का करंट कहलाता है अल्टरनेटिंग करंट, जो ऐसी वोल्टेज से पैदा होता है जिसकी पोलैरिटी मुसलसल चेंज हो रही है। ये जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज है ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज हम एसी जनरेटर से हासिल करते हैं, हमने टॉपिक पढ़ा था एसी जनरेटर, उससे हम जो वोल्टेज हासिल करते हैं वी इज इक्वल टू वी नॉट या एन ओमेगा वी ए साइन थीटा, कुछ ऐसी वोल्टेज हमने पढ़ी थी, उसमें एन ओमेगा वी ए क्या होता है, पीक वोल्टेज, इसको वी नॉट मैक्सिमम वोल्टेज कहा था, थीटा किसकी इक्वल होता है ओमेगा टी, सो वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, वी नॉट साइन ओमेगा किसकी इक्वल होता है टू पाई डिवाइडेड बाई टी मल्टीप्लाई टी। तो ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, इसमें दिस वोल्टेज इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, और वी नॉट ये पीक वोल्टेज होती है, एक इंस्टेंटेनियस है और एक पीक वोल्टेज है। इंस्टेंटेनियस से क्या मराद है,
इंस्टेंटेनियस से ये मराद है, ये फ़र्ज़ करें वोल्टेज है जिस मैक्सिमम वैल्यू तक जाती है उसे पीक वोल्टेज कहते हैं। पॉजिटिव पीक भी होती है इसमें और ये नेगेटिव पीक भी है, ये ज़ीरो है। तो ये दो पीक्स के दरमियान प्लस वी नाट और माइनस वी नाट के दरमियान वेरी करती है और टाइम गुजरने के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो किस टाइम पर क्या वोल्टेज होगी उसको हम इंस्टेंटेनियस कहते हैं। सर्किट में जो करंट की वैल्यू है जिस टाइम पे आप चेक कर रहे हैं वो उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। अगर आप डिफरेंट टाइम पर चेक करें, ये ज़ीरो है, ये आधा टाइम पीरियड है, ये फुल टाइम पीरियड है, आधे का मज़ीद आधा कर लें टी बाई फोर हो गया और ये थ्री टी बाई फोर हो गया। तो इन डिफरेंट टाइम पर अगर आप वोल्टेज की वैल्यू को चेक करें, अल्टरनेटिंग वोल्टेज की इक्वेशन है V इज इक्वल टू वी नॉट साइन टू पाई ओवर टी मल्टीप्लाई टी। पहला केस है एट टाइम टी इज इक्वल टू ज़ीरो, स्टार्ट में जब हमने टाइम स्टार्ट लिया ये ज़ीरो टाइम है। यहाँ पर वोल्टेज की वैल्यू भी क्या है, ज़ीरो है। इसमें आप इक्वेशन में अगर टी की वैल्यू ज़ीरो पुट कर लें तो वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन टू पाई ओवर टी मल्टीप्लाई ज़ीरो, ये सब कुछ ज़ीरो हो गया क्योंकि वी नॉट साइन ज़ीरो, साइन ज़ीरो ज़ीरो होता है, सब ज़ीरो हो जाएगा। तो वोल्टेज की वैल्यू ज़ीरो है स्टार्ट में। आफ्टर टाइम टी बाई फोर, इस टी की जगह टी बाई फोर पुट कर लें तो वी इज़ इक्वल टू वी नॉट साइन टू पाई ओवर टी मल्टीप्लाई टी बाई फोर। टी से टी कैंसिल हो गया, टू से एक टू पे डिवाइड हो गया तो वी नॉट साइन पाई बाई टू बच गया। साइन पाई बाई टू साइन 91 के बराबर है। वोल्टेज क्या आ गई, वी नॉट गया टी बाई फोर। टाइम के बाद वोल्टेज अपने पीक पर है, मैक्सिमम वैल्यू पर है। आफ्टर टाइम अगर टाइम टी बाई टू पर चेक करें तो वोल्टेज क्या होगी, वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन टू पाई ओवर टी मल्टीप्लाई टी बाई टू। टू से टू कैंसिल हो गया, टी से टी पाई बच गया, वी नॉट साइन पाई रह गया, साइन पाई की वैल्यू ज़ीरो होती है, अगेन वोल्टेज यहाँ पर ज़ीरो है। आफ्टर टाइम 3t by 4, V is equal to V naught sin 2 pi over t multiply 3t by 4। तो ये रह गया V naught sin 3 pi by 2। 3 पाई बाई 2 270 होता है, साइन 270 वैल्यू माइनस 1 होती है तो वोल्टेज माइनस वी नॉट रहेगी। गोया 3t बाई 4 पर वोल्टेज नेगेटिव पीक पर है। फाइनली जब t पुट करेंगे तो t से कैंसिल 2 पाई रह गया, साइन 2 पाई 0 है तो दोबारा वैल्यू यहाँ पर 0 हो जाएगी। तो ये जो वोल्टेज v है ये हमें किसी टाइम पर वोल्टेज की वैल्यू बताती है, आया कि पॉजिटिव पीक पर है, नेगेटिव पीक पर है, ज़ीरो है, कहाँ पर है। ठीक है, तो इसमें वी क्या चीज़ है, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है, जबकि वी नॉट क्या है, पीक वोल्टेज है। और वी नॉट पीक वोल्टेज है। पीक टू पीक वैल्यू क्या होती है, पीक टू पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज एक पीक से लेकर दूसरी पीक तक, वी नॉट माइनस माइनस वी नॉट, इट इज टू वी नॉट।
क्योंकि टोटल है डबल हो गई, लिहाजा डबल आएगी, माइनस ज़ीरो नहीं होती बल्कि वैल्यू डबल हो जाती है। सो पीक टू पीक वोल्टेज 2V0 होती है, अलबत्ता सिंगल पीक V0 होती है, राइट। तो ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, इससे पैदा होने वाला करंट अल्टरनेटिंग करंट होता है। थैंक यू।